खबर है स्वरा भास्कर को लेकर, जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा विवादों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। ताजा मामला ये है कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने शादी कर ली है, या कहें निकाह कर लिया है। उन्होंने ये शादी सपा नेता फहद अहमद से की है। स्वरा भास्कर ने खुद ही ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। वीडियो में बाकायदा तस्वीरों और पर्सनल चैट्स के अलावा शादी के कागजात भी दिखाए गए हैं। स्वरा भास्कर की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत से लेकर विवाह तक की सारी घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से दिखाई गई हैं। वीडियो के मुताबिक साल 2019 में NTCA प्रोटेस्ट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। वीडियो पोस्ट करते हुए स्वरा भास्कर ने इसके साथ एक संदेश भी लिखा है। स्वरा भास्कर इसमें लिखती हैं कि कई बार आप उन चीज़ों को दूर तलाशते रहते हैं जो आपके बिल्कुल नज़दीक होती हैं, इसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। हम प्यार की तलाश में थे, लेकिन पहले हमें दोस्ती मिली, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले। फहद ज़िरार अहमद, मेरे दिल में तुम्हारा स्वागत है। दिल में उथल पुथल सा है, लेकिन जो भी है अब तुम्हारा है। स्वरा भास्कर के इस ट्वीट के बाद फहद अहमद ने भी स्वरा भास्कर के इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए उसे शेयर किया और उन्होंने लिखा, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे दिल की उथल पुथल इतनी खूबसूरत हो सकती है। मेरा हाथ थामने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लव स्वरा भास्कर। हालांकि इस लव स्टोरी के बीच सोशल मीडिया पर अब स्वरा भास्कर की ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग के पीछे की एक बड़ी वजह है स्वरा भास्कर का ही खुद का किया हुआ 14 दिन पुराना वो पोस्ट, जिसमें दावे के मुताबिक कहा जा रहा है कि स्वरा भास्कर ने तब फहद को अपना भाई बताया था, लेकिन अब उन्होंने उसी से शादी कर ली। कहा जा रहा है कि इस रोमांटिक पोस्ट के बीच स्वरा भास्कर ने अपने प्रशंसकों से इस बात को छिपा लिया था। दावा किया जा रहा है कि जिससे शादी की है उसी मुस्लिम लड़के को उन्होंने 14 दिन पहले भाई कहकर संबोधित किया था। 2 फरवरी 2023 को किए गए इस ट्वीट में स्वरा फहद को यौम पैदाइश यानी कि जन्मदिन की मुबारकबाद दे रही हैं। स्वरा ने तब लिखा था, जन्मदिन मुबारक फहद मियां, भाई का कॉन्फिडेंस बना रहे, फहद ज़िरार अहमद खुश रहो, आबाद रहो, उम्र हो रही है अब शादी कर लो, हैव अ ग्रेट बर्थडे एंड अ फैंटास्टिक ईयर दोस्त। और उनके इसी ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करते हुए एक यूजर सुशील ने लिखा कि अ नेशन ऑफ 100 करोड़ हिंदू सेलिब्रेटिंग टुडे आफ्टर स्वरा भास्कर कन्फर्म्स लिविंग हिंदुइज्म #, स्वरा भास्कर, मतलब 100 करोड़ हिंदू इस देश में जश्न मना रहे हैं क्योंकि स्वरा भास्कर ने ये कन्फर्म कर दिया है कि वो हिंदुइज्म छोड़ रही हैं, हिंदू धर्म को छोड़ रही हैं। और साथ में भाई वाले उसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। हालांकि इस बीच कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर फहद अहमद हैं कौन। तो आपको बता दें कि फहद अहमद समाजवादी पार्टी की युवा इकाई के महाराष्ट्र और मुंबई के अध्यक्ष हैं। फहद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वरा और फहद ने 6 जनवरी 2023 को ही शादी कर ली थी। इस शादी की जानकारी स्वरा ने 16 फरवरी को दी है। लेकिन कुल मिलाकर इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? स्वरा भास्कर का फहद को पहले भाई बताना और उसके बाद उसी से शादी कर लेना, और इन तस्वीरों पर आपकी जो भी राय हो जाकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर लिखें। VK News, राष्ट्र के नाम।